तो वापस हो लेते हैं, क्या किया जाए। हम इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे जाने नहीं दे रहे आगे, तो फायदा ही क्या है अगर जाने नहीं दे रहे तो। दो तीन दिन का स्टे लिया हुआ है, अगर कल रुक जाएगा तो कल पहुंच जाऊंगा दोबारा। हमने एंडी समझोगे आप, अब सीजन की एंडिंग ही है, फाइव तो अभी भी दिया बंद है सर। टूटी में पानी नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा था यार, यहां तक अभी भी जमे से हैं। भाई ये है कातिल, ऐसा व्यू नहीं देखा होगा आपने। फिसल मत जाना बस कोई भी। तो इस बार निकिता नहीं आई है निकल के गाड़ी से, वो आराम से अपने कंफर्ट जोन में बैठी है। लेकिन यार ये बहुत धांसू व्यू है यार, दिस इज ऑसम, दिस इज समथिंग। 1 डिग्री है अभी तो गाड़ी के अकॉर्डिंग, लेकिन गाड़ी झूठ भी बोलती है थोड़ा थोड़ा। अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए, ठंड बहुत हो रही है यहाँ पे भी। स्नोफ्लेक्स अभी जो गिर रहे थे, अभी यहाँ पे बारिश ज्यादा है, स्नोफ्लेक्स कम है, लेकिन आप देखो तो हर जगह बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। कई कुछ गाड़ियों पे तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ है। तो ये यहाँ पर जैसे स्नोफॉल अभी हो रही है, तो ये हर साल इस टाइम पे होती ही है? हर साल यही टाइम होता है एक्चुअली, स्नोफॉल का जो टाइम होता है वो यही टाइम होता है, फरवरी का, जनवरी फरवरी। ठीक है, और ये सीजन की एंड स्नोफॉल कब होती है जैसे? ये एंड ही समझोगे आप, अब सीजन की एंडिंग ही है इसके। अगर ये स्नोफॉल चलती है तो आप ये सोचो कि अब 20-25 के स्नोफॉल के 20-25 दिन बाद मौसम खुलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ठंड नहीं रहेगी ज्यादा, अब खुल जाएगा मार्च तक, मतलब अच्छा मौसम हो जाएगा। जैसे अभी कल स्नोफॉल गिरी तो सारे पाइप वाइप सब जाम हो गए थे सुबह, पाइप तो अभी भी बंद है, टूटी में पानी नहीं आ रहा है। सही है, तो सही लग रहा है हमें यहाँ पर पहुंचकर। तो ऐसे ही भैया से बात कर रहा था, भैया के हम लोग रेस्टोरेंट में रुके हैं अभी, शायद मैगी या कुछ हम खाएंगे। निकिता और रितु वॉशरूम गए हैं, जैसे ही वो आते हैं तो देखते हैं कि क्या खाया जाए। सुबह से कुछ खाया भी नहीं तो थोड़ी भूख भी लग रही है, तो मज़ा आ रहा है वैसे तो। मेरा तो पहली बार स्नोफॉल है, भैया का नहीं है, भैया के लिए दिक्कत हो जाती है। लेकिन देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, और भैया ने कहा पीछे जाके देखो बहुत सुंदर लग रहा है। सच में यार यहाँ पे सुंदर लग रहा है, क्या स्नोफॉल हो रही है यार, कितनी ज़्यादा तेज एकदम बर्फ जमी है। इनको देखो यार, पेड़ों को बहुत सही लग रहा है यार, ठंड भी लग रही है अभी तो। यहाँ पे लोग काफ़ी रुकने लगे हैं हमें देखकर नहीं यार, यहाँ पे शायद काफ़ी लोग रुक ही रहे हैं, तो सही पॉइंट बन गया अपना, तो अपना यहाँ पर रुके हुए हैं। बाकी भैया को बोला एक मैगी बनाओ, भैया मैगी बनाने गए हैं पीछे की तरफ, वेज मैगी। और ये भैया का पीछे शायद किचन है, भैया ने मैगी बोल दी है जाकर उनको मैगी बनाने के लिए, और यहाँ रुके हुए हैं। और स्नो कितने ज़्यादा बड़े बड़े फ्लेक्स आ रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि इस टाइम पे कितनी ज़्यादा तेज स्नोफॉल हो रही है। देखते ही देखते स्नोफॉल और तेज़ हो गई है यार, हमारी गाड़ी पे भी जमने लग गई। इन गाड़ियों पे देखो कितना सही लग रहा है। इनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मतलब वर्क फ्रॉम होम तो नहीं, आज इनका वर्क फ्रॉम कार था और अभी वर्क फ्रॉम कैफे है। इनको देखिए कैसे वर्क फ्रॉम मैगी पॉइंट। क्या कैसा था आपने जो अभी हाथ धोए यहाँ पर ठंडे पानी से? बहुत ज़्यादा ठंडा था यार, यहाँ तक अभी भी जमे से हैं। ये स्नोफॉल हो रही है और हम लोग गर्म दूध एंजॉय करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर ये लोग मैगी खा रहे हैं। कितनी अच्छा लग रहा है मैगी खा के। थैंक यू भैया, मैगी बहुत अच्छी थी और गरम गरम दूध पी के भी बहुत अच्छा लगा। वैसे तो चाय कॉफ़ी मैं पीता नहीं तो अच्छा लगा। अगर आपके पास किसी को आना हो तो कैसे आए? पंडित भोजनालय, कौन सी जगह? कंडा घाट पंडित भोजनालय, यहाँ पे ज़रूर आना। भैया बहुत स्वीट है, आप बात करना भैया से आकर, और मैगी ज़रूर खाना, वेज मैगी बहुत अच्छी बनाई थी। थैंक यू भैया, थैंक यू भाई। ये यहाँ पे तो ताबड़ तोड़ बर्फबारी हो रखी है ना, सही लग रहा है यार, बहुत सही लग रहा है। यहाँ पे सड़क पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे ना ब्लैक आइस हल्की हल्की शायद है। मैं आशा करता हूँ कि हमारी गाड़ी फिसले ना, हम बहुत आराम से चल रहे हैं, हमने अपना बहुत सारा टाइम दिया है,
तो ये तो ऐसा हो गया कि हम 2-3 घंटे से अपना बर्फ में ही चला रहे हैं गाड़ी, लेकिन ये लग रही है असली, यहाँ ये बर्फ है ना। एकदम वाइट चादर बन गई है, एकदम वाइट ब्लैंकेट की तरह सुंदर लग रहा है। एक ना बहुत सी ब्राइटनेस निकल के आ रही जमीन में से, देखिए हॉर्न। वो देखना मुझे खेल रहे हैं, क्वांटिटी मतलब अगर देखा जाए कितने इंचेस की स्नो है यार, पिघलती भी तो जा रही है। टेम्परेचर अब यहाँ पे 0 डिग्री हो गया है, जहाँ पे भी 0 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे मोटे फ्लेक्स मिल रहे हैं। ठंडक आ गई गाड़ी में, देखो वो वहाँ पे दारू पी रहे हैं देखा यार अभी आ गया है पुलिस बैरियर आगे, पता नहीं क्या हो रहा है, जाने दे रहे हैं नहीं जाने दे रहे, अब पता चलेगा आगे। धीरे धीरे करके गाड़ियाँ आगे जा तो रही हैं और आगे स्नोफॉल बहुत तगड़ा है और आगे देख सकते हो नीचे हर जगह, लाइक मैं ऐसे करके तो स्नो कैच कर सकता हूँ, अभी नहीं आई लेकिन स्नो बहुत तेज़ हो रही है यार, बहुत तेज़ मतलब बहुत तेज़। कुछ गाड़ियाँ बैक कर रही हैं नहीं कर रही हैं समझ ही नहीं आ रहा है, जो गैप रखते हैं गाड़ियों के बीच में। स्नो जा रही है देखो, तो ये शिमला का रास्ता है बंद, तो पुलिस वाले भाई आगे गाड़ी नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है तो वापस हो लेते हैं, क्या किया जाए। ऐसे नहीं वही बात है, लड़ने वाली बात है, बाकी ये कह रहा है शोगी तक जाएगी, शोगी से आगे नहीं जाएगी, तो शोगी पे होटल कर लेंगे यार, शोगी पे नहीं हुआ फिर शोगी पे हो गई नहीं स्टे, कह रहे शोगी भी हम लोकल वालों को जाने दे रहे सिर्फ रहने दो, अभी बोल दो यार आराम आराम से निकल जाएंगे यार दिल्ली, वो कर रहे हैं बात बात कर रहे हैं लेकिन जाने नहीं दे रहे हैं। वैसे है तो मुश्किल, इस जितनी स्नो पड़ रही है ना आगे तो बढ़ेगी ही क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कल वाला होटल कैंसिल करा दो, एंजॉय भाई वापस। ओ तेरी, इसके ऊपर बर्फ देखना, किसी को भी नहीं जान दे रहा है, वो कह रहा है फंस जाओगे, वो कुछ बोलना चाहते थे सुन लो ना क्या कह रहे हैं। जाइयो भी ना, कैसे होटल ले लो बहुत सुखी रहोगे, चलो करते हैं। मैं उतर के मुड़वाऊं क्या, उतर के क्या गाड़ी चाहिए कि जब भी मुड़वाओ गाड़ी के ऊपर तो थोड़ी मुड़वाओ, ये निकलेगा तो निकलते हैं। ये कह रहा है स्नोफॉल रुक जाएगी ना तब चले जाना, स्नोफॉल रुकेगी ऐसे पता नहीं, स्नोफॉल रुकेगी निकलता है। अच्छा करना भी एक बारी उतरियो उधर के, बस मुझे गाइड करियो पीछे की जगह कितनी में बैक करने वाला हूं सीधी सीधी ऐसे, ठीक है। ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, सब अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, बड़े ही दुखद शब्दों में हमें आपको बताना पड़ रहा है कि आगे जाने नहीं दिया हमको, उन्होंने कहा भैया आपके पास पहुंची 4x4 हमारी बलिनों की कर दी उन्होंने बेइज्जती और ऊपर से कहा भैया आप हो हरियाणा से दिल्ली से हमें चाहिए HP का नंबर क्योंकि हमें लगता है आप नहीं हो काबिल, तो जा रहे हैं धीरे धीरे नीचे, फिर से चेल चले फिर अब चेल तो भाई हाँ चेल ही ले लेते हैं, चेल ही ले लेते होटल कितना जाए, तो अभी हम असमंजस में कि क्या क्या जाए, बाकी चैल का भी सही रास्ता बंद ही होएगा हो सकता है, ट्राई करने के लिए सही है जैसे उस जगह से ना रुक के उधर रुकना बस। कल का होटल कैंसिल करूं पहले तो
पहले ये देख के कितने बजे तक कर सकते हैं? आज रात तक गारंटेड है या कल रात तक था? पहले एक बार चेक कर लें। हमारा दोस्त करण अभी नीचे गया है इस होटल में पूछने के लिए कि भैया आपके पास रूम है या नहीं। लग नहीं रहा है, पर जिस हिसाब से सारी चीजें बुकड हैं या कुछ भी है। कुछ गिरा है ना हमारी गाड़ी में? पैसे फिर से गिर तो स्नो ही रही होगी बस, लेकिन वो भी पत्थर की तरह हो रखी है। तो सही है यार, हम लोग गाना चाहते थे शिमला और यहाँ पे हमारा हो गया शिमला। लेकिन बेलिनो आई एम हैप्पी दैट इट हैड मेड सो फार। ये हम लोग बर्फ में खेलते हुए बहुत ही सही लग रहा है यार, दिस इज अमेजिंग। अभी हमने जहाँ पर होटल लिया था मतलब हमने एक जगह पे होटल ले लिया शिमला से पहले ही, होटल थोड़ा महंगा मिला है। ये अपनी गाड़ी खड़ी है फाइनली इसने क्या बोलते हैं शिमला तो नहीं जा पाई, लेकिन शिमला जैसा माहौल है यहाँ पर। शिमला हम इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे जाने नहीं दे रहे आगे, तो फ़ायदा ही क्या है अगर जाने नहीं दे रहे तो मज़ा बहुत आ रहा है यार। ठंडा ठंडा खेल रहे हैं ये लोग, खेलना भी शुरू कर दिया है। निकिता मज़ा आ रहा है? ओ भाई इतना सारा मोटा मोटी आइस, तो दिस इज अमेजिंग यार, दिस इज अमेजिंग। हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं यार, सब लोग बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी गाड़ी पे देखो कितनी बर्फ जम गई है। दिस इज बेलिनो दैट मेड हियर, आई एम प्राउड ऑफ माय कार। यस आई कैन डेफिनेटली से हर जगह बर्फ जम रही है। अच्छा अच्छा बेस, ये यू मेड इट ब्रो, यू मेड इट। हाँ पर लोग थोड़ी मानू पता नहीं क्या बोलते हैं यार थोड़ा सा परेशान होते हुए जाते हुए, मायूस होते हुए जाते हैं। मायूसियत दिख रही है उनके चेहरे पे, तो बड़ा सही लग रहा है। मैं ऊपर चढ़ता हूँ और खेलते हैं थोड़ा सा स्नो में, फिर देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन ये हो रही है ताबड़तोड़ स्नो, इसे कहते हैं स्नो। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें स्नो मिलेगी। हम बस ये सोचते आ रहे थे सुबह से कि यार होटल पे चले जाए और वहाँ पे शायद स्नोफॉल हो जाए, लेकिन तो भाई रास्ते में इतनी स्नो है कि हम घर होटल ही नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो दिस इज़ अमेजिंग यार, दिस इज़ अमेजिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द स्नो, दिस इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट। या आई एम एंजॉइंग इट, थैंक यू। लोगों क्या कहना चाहोगे यहाँ पे पहुँच कर? ठंड लग रही है? This is amazing. ये देखो ये हमारे दोस्त ऋतु एंजॉय करते हुए, उनका हस्बैंड वीडियो बनाते हुए, यही इसकी एंजॉयमेंट है, यही इसकी लाइफ है, ये अपना धर्म निभाते हुए। मैं भी तो अपना धर्म निभा रहा हूँ, यही तो जिंदगी है। सही है, ये क्या व्यू है यार, जबरदस्त, बच्चे खेल रहे हैं। अरे तू ही बजा रहा? क्या बना रहे हो आप लोग? स्नोमैन। बढ़िया यार, यार इतनी स्नो ना ऊपर से वैसे गिर रही है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मेरी आंखों की पलकों पे भी स्नो आ रही है। दिस इज नाइस, दिस इज नाइस, ग्रेट। कहां से बिलोंग करते हैं? दिल्ली। दिल्ली वापस आओगे आप? नहीं मैं सोलो रुकूंगा, दो दिन तीन दिन का स्टे लिया हुआ है, अगर कल रुक जाएगा तो कल पहुंच जाऊंगा दोबारा ऊपर। हमने तो कल का कैंसिल कर दिया, आज आने तो नहीं है कल। हां आज के पैसे कटे हमारे, हमारे भी डिडक्ट हो गए पर सही है। आप कहां से? दिल्ली से, गुड़गांव। यार बड़ा वहाँ पे बहुत ही सैड सी फीलिंग आई, पर ठीक है यहाँ पे भी सही है। ठंड लग रही है आपको? चलो वैसे हमने ये व्लॉग स्टार्ट किया था आज की वी वुड हंट स्नो, ऐसा लग रहा है कि स्नो इज हंटिंग अस, तो सही लग रहा है, मजा आ रहा है। आप लोग स्नोमैन नहीं बनाओगे क्या? हाँ, मैं बनाऊं। स्नोमैन नहीं बनाना क्या? चलो ठीक है रहने दो, इसके तो नाक भी लाल हो गई है। हाँ चलो फोटो खिंचवा ले रहे। यस ऐसे कर। मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार स्नो देखा है, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत।
मैं यहाँ पे दो दिन रह सकती हूँ स्नो देख के, बट हाँ एक दिक्कत है, यहाँ पे दो दिन से लाइट नहीं आ रहा है, और यहाँ लाइट नहीं है प्लस लोगों को ना पानी का दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, बट ठीक है यार, आप कहीं घूमने आए हो, एंजॉय करो, मज़ा आ रहा है। तो भाई लोगों, हम लोग तो शिमला नहीं पहुंच पाए, जैसे हम आपको पहले ही पता चल गया होगा। तो शिमला की जो चौकी आती है जहाँ पर बैरियर आता है, तो वहीं से ही सबको रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि आगे कहने का मतलब स्नो बहुत ज़्यादा है, और इवन सुनने में आया कि 4x4 भी वहाँ पे स्किड कर रही है, तो वहाँ पे जाने का फायदा नहीं है। तो यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। निकिता से हेलो। तो अभी हम लोग अपने, ये हमारे रूम से बाहर का व्यू है, तो रूम हमें मिल गया है, और डेफिनेटली ये वो होटल्स है जहाँ पे यूजुअली लोग नहीं रुकते और साइड में होते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा व्यू है देखा जाए तो। यार स्नो हो ही रही है, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, हर चीज़ जमने वाली है यहाँ पर। अगर देखें यहाँ पर भी सारा स्नो 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 स्नो, तो हम स्नो लेने आए थे, स्नो को हंट कर रहे थे, फिर से मैं बोलूँगा स्नो इज हंटिंग अस नाउ, बट इट इज़ फन, बिलीव मी इट इज़ फन। Yes, we are definitely enjoying it. So, अपना व्यू एक नंबर है, एक नंबर व्यू मतलब बोला जाए तो एक नंबर, इससे बेहतर व्यू मैंने आज तक नहीं देखा। मे बी जहाँ पे भी स्नो गिरती है वहाँ पे ऐसा व्यू होता ही होगा, पर काफ़ी अच्छा है यार, दिस इज ऑसम। तो देखते हैं, और यहाँ पर लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, शिमला और सोलांग में दो दिन से लाइट नहीं है पिछले, तो अगर लाइट आई तो यहाँ पर भी आएगी। तो ये एरिया शिमला से नीचे है, सोलांग वैली से ऊपर है, तो बढ़िया, सोलन वैली से ऊपर है, तो सही है अपना, मस्त रहा। अभी हमारा लंच कर रहे हैं हम, ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं, हमने लंच ऑर्डर किया क्योंकि बीच में हम रुक गए थे मैगी के लिए, फिर स्नो में खेला वेला, अभी भी स्नो हो रही है यार, बहुत सुंदर लग रही है, ऐसे जैसे कॉटन गिर रही है ऊपर से, सब पे कॉटन सी लग रही हो, पर हाँ आपको ये सब एक तरीके से, आप ऐसी जगह पर होते हो तो ये सब चीज़ों का देखना पड़ता है। आई एम एंजॉइंग इट, निकिता इज एंजॉइंग इट, दिस इज़ आवर फर्स्ट स्नो वी आर विटनेसिंग, सो डेफिनेटली दिस इज़ फन। हमने गाड़ी को पार्क कर दिया एक ऐसी जगह पर, सुबह मुझे पूरा यकीन है गाड़ी ढकी होगी स्नो से, तो सही है, देखते हैं। कई सारे लोग यहाँ से नीचे जा रहे हैं, तो ये क्लोजेस्ट पॉइंट है उस पुलिस चौकी का जहाँ पर जहाँ से लोगों को रिटर्न करा जा रहा है, तो ये होटल हमने यहाँ पर लिया, इसलिए सही है, बढ़िया है, लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना, बस सही है, कूल, यो।